हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? काइनेमेटिक चेन। आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन दी पोजिशन मोशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिक समझना चाहें तो हम पहले 3D के अंदर देखते हैं। थ्री डी सिस्टम में अगर हम देखना चाहें तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये किस डायरेक्शन में क्या मोशन कर सकता है ये हम देखेंगे। तो ये पहले एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन कर सकता है। रोलिंग मोशन कर सकता है वो। अगर हम देखें तो ये 3D सिस्टम के अंदर कितने मोशन कर रहा है? 3 टर्निंग मोशन और 3 रोलिंग मोशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोशन कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ मोशन 3 टर्निंग और 3 रोलिंग, तो टोटल कितने हो गए? 6 नंबर ऑफ मोशन हो गए इसके। अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना चाहें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे देखेंगे हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या होगी? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना चाहें तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 6 माइनस रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स अगर हम देखना चाहें तो इनको क्या कहेंगे हम? रिस्ट्रेंट्स को अगर हम कहना चाहें तो कहेंगे नंबर ऑफ दोस मोशंस विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट पॉसिबल। 6 माइनस रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स को क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ मोशन विच आर नॉट पॉसिबल्स। ठीक है, अगर हम हायर पेयर की बात करें तो हायर पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर हम हायर पेयर की बात करें तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं, अगर हम लोअर पेयर की बात करें तो लोअर पेयर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम हायर पेयर की बात करें तो हायर पेयर में कितने होते हैं? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर हम स्लाइडिंग पेयर की बात करें तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारा रिस्ट्रेंट्स होता है ये हमेशा किसकी वजह से होता है? पेयर की वजह से। तो रिस्ट्रेंट्स आर, इधर लिख लेते हम लाइन, रिस्ट्रेंट्स आर ऑलवेज ड्यू टू पेयर। रिस्ट्रेंट्स आर ऑलवेज ड्यू टू पेयर। ठीक है, अब हम इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो हमने 3D सिस्टम में देखा, अब हम देखेंगे 2D सिस्टम के अंदर मैथमेटिकली। तो उसके लिए हमको कौन सी इक्वेशन यूज़ में लेते हैं? हम कुर्ट्सबेक इक्वेशन का यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो हम 2D सिस्टम के अंदर अब देखते हैं। ठीक है, हमने 3D सिस्टम पढ़ लिया था, अब हम 2D सिस्टम देख रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है, अब ये कितने मोशन कर सकता है? एक स्लाइड तीन डायरेक्शन के अंदर ये मोशन कर सकता है 2D सिस्टम के अंदर। तो नंबर ऑफ मोशंस कितने हो गए हमारे? 3। तो नंबर ऑफ मोशन कितने हो गए हमारे? 3। हमने बोला था कि हम 2D सिस्टम के लिए अगर हम देखना चाहें तो किसका यूज़ लेंगे हम? कुर्ट्सबेक इक्वेशन का। 2D सिस्टम के अंदर हम देख रहे थे तो
तो 2D सिस्टम के अंदर हम मैथमेटिकली किसके हेल्प से करते हैं, गुड्स बैग इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 3L-1-2J-H। यहाँ पे एल क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ लिंक्स, जे क्या होता है नंबर ऑफ लोअर पेयर, और एच क्या होता है नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जनरल 2D सिस्टम के अंदर कुछ भी इक्वेशन के थ्रू हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।